तो देखो ये सारा मसाला मिला दिया हमने, और इस बार अच्छा वाला मटन लेके आया हूँ। दूसरे दुकान से इस बार लेके आया था मैं। अच्छा बोटी बोटी है, हड्डी नहीं है। चलो चल के देखते हैं क्या काम है, किस लिए बुला रहा है कफील का बड़ा वाला लड़का। तो देख रहे हो दोस्तों, लास्ट टाइम मैं खाना बना रहा हूँ और क्या हो गया, देखो इधर ही गिर गया था, सारा मसाला गिर गया है। बाकी इतना है, मोबाइल ले लो, मोबाइल ब्लैकबेरी ले लो, नोकिया ले लो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज मैं यहाँ सऊदी में बनाऊंगा लास्ट टाइम खाना, और यही अपना जो भी बनाना है दो दिन तीन दिन जो भी चल जाए, तो उसके बाद अपना जो भी होटल से 2 रियल का 3 रियल का ऐसे ही खा खा के गुजारा करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम यहाँ पे खाना बनाना है तो कुछ अच्छा बनाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ मटन लेने के लिए, आधा किलो मटन ले लूँगा मैं, आधा किलो से ज़्यादा हो या कम हो, या आधा किलो हो उतना ही ले लूँगा मैं। बनाऊँगा 2 टाइम 4 टाइम अपना वही खाऊँगा, बाकी उसके बाद देखेंगे, होटल से खाते खाते निकलेंगे। तो अभी तो शाम के देख रहे हो 5:51 हो गया, और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई भी ड्यूटी नहीं रह रहा आजकल, कितने दिनों से, जब से टिकट हुआ है कोई भी ड्यूटी नहीं हुआ है, मैं रूम पे ही रह रहा हूँ, वो लोग कोई ड्यूटी करवा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों आ गया मैं ये मार्केट में, यही होटल के बगल में ही है वो मटन की दुकान, मैं ले लेता हूँ। तो ये मैं 25 रियाल का लिया, मैं 40 रियाल किलो है मटन, तो आधा किलो से ज़्यादा ही है थोड़ा, तो ले लिया मैं 25 रियाल का। बाकी चलो अभी हरी मिर्च लेना है और नाश्ता करने के लिए बिस्कुट, तो यहाँ से ले लेते हैं हरी मिर्च और बिस्कुट वगैरह देखते हैं। ये मैं ले लिया, 3 बिस्कुट लिया हूँ और 1 रियाल का हरी मिर्च। चलो चलते हैं। देखो दोस्तों ये है अलबादिया, ले लिया मैं, जो 1 किलो चावल लिया था वही चल रहा अभी तक, उसको ख़त्म करना है। तो दोस्तों अभी मैं खाना बनाने जा ही रहा था कि अचानक से देखा मैं कि तेल ख़त्म है, तेल है ही नहीं। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ इधर ही सुपर मार्केट में पैदल चल के पास में, और एक तेल ले लेता हूँ, सरसों का तेल, और खाना बनाते हैं। तो आ गया मैं इधर सुपर मार्केट में, ये छोटा वाला लूँ कि बड़ा वाला? यही अभी छोटा वाला ले लेता हूँ, 5 रियाल का है। तो दोस्तों ये मैं रेडी कर लिया, प्याज मिर्चा अदरक लहसुन, चलो इसको मैं धो के मसाला बनाता हूँ, प्याज काटता हूँ मैं, बाकी मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा अपना मटन, धो लिया हूँ मैं, और ये प्याज काट लिया, उधर मसाला कूट लिया हूँ मैं, और ये है हल्दी और मेहरान मसाला। तो चलो ये सब एक में मिलाता हूँ मैं और ऐसे ही रख देता हूँ चूल्हे पे। तो ये रख दिया मैं सारा मसाला वगैरह मिला के। तो देखो ये सारा मसाला मिला दिया मैं, और इस बार अच्छा वाला मटन लेके आया हूँ, दूसरे दुकान से इस बार लेके आया था मैं। अच्छा बोटी बोटी है, हड्डी नहीं है। तो अभी तो मटन वगैरह रख दिया हूँ मैं, साथ में ये कपड़ा भी धो लेता हूँ और ये साफ़ सफाई भी कर लेता हूँ, ये दोनों टेबल बाहर निकाल देता हूँ, और बस आज ही भर का यह सब मसाला वगैरह का काम था, बस अपने को वो लिट्टी बनाना है, तो उसमें बस हरी मिर्च प्याज डाल के बनाना है, ज़्यादा मसाला तो लगेगा नहीं। तो दोस्तों मैं खाना बनाऊँ और उसमें रुकावट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी मैं रखा कि कफील के लड़के का फ़ोन आ गया, तालबेत घर पे बुला रहा है, तो चलो चल के देखते हैं क्या काम है, किस लिए बुला रहा है कफील का बड़ा वाला लड़का।
तो चलो दोस्तों चल के देखते हैं क्या काम है। और जाते जाते एक गड़बड़ भी हो गया, वो मटन गिर गया। क्या है कि वो जो मेरा चूल्हा है उसमें एक पाया नहीं है, तो मैं उसके ऊपर वो लोहे का रखा मैं, फिर मैं जैसे ही जा रहा था गिर गया। तो मटन नहीं गिरा है, बस उसमें जो मसाला वगैरह था वो मसाला वगैरह गिरा है। चलो आके देखेंगे, अभी तो फिलहाल चलते हैं ड्यूटी। लगता है आज का किस्मत ही खराब है, देखेंगे लास्ट टाइम खाना कैसा बनता है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं इधर, वो देखो वो जो गाड़ी जा रहा है कफील जा रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो कफील आ गया था। यही होता है जल्दी जल्दी में कोई चीज़ करो ना तो गड़बड़ हो जाता है। जल्दी जल्दी में वो मैं रखा और जैसे ही पीछे मुड़ के मैं निकल रहा था, जल्दी जल्दी में वो पलट गया मेरा पतीला। तो अच्छा हुआ कि मटन नहीं गिरा है, मगर यह है कि पूरा मसाला बह गया, तेल मसाला। चलो चल के वैसे ही बनाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो फोन किया था तो एकदम जल्दी जल्दी बोल रहा था, उसी में मेरा हड़बड़ी हो गया। मैं जल्दी भाग के आया, 10 मिनट इधर वो बैठा के रखा, फिर ये एक सामान दिया है, ये पहुंचाना है इसकी वाइफ के मायके में, मतलब वही हॉस्पिटल वाली मैडम के मायके में। तो चलो पहुंचा के फिर उधर ही से उधर ही अपने रूम पे चले जाएंगे, फिर खाना बनाना चालू करेंगे और कपड़ा धोना चालू करेंगे। बाकी सामान जो कल ले जाके बेचना है उसको संभाल के रख लेना है बाहर, ताकि कुछ कीमती सामान ना चला जाए उसके साथ, सब छांट छूट के देख देख के रखना है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं इधर, ये हॉस्पिटल वाली मैडम के मायके में, आप लोग देख सकते हो वो गरीब का घर। यहाँ पे सामान मैं पहुँचाते रहता हूँ, और ये हॉस्पिटल वाली मैडम का घर जो कि इधर ही है अलबादिया में। ये कुछ पार्सल वगैरह आया है, कपड़ा है देखो, यही इधर पहुंचाना था, इसी के लिए चिल्ला रहा था जल्दी जल्दी एकदम। चलो दोस्तों दे दिया मैं वो कपड़ा, चलते हैं सीधे जल्दी सा अपने रूम पे। देखो 9 बज गया है और मटन गलाने में टाइम लगता है, 12 बज जाएगा खाना बनाते बनाते। चलो कोई नहीं, कैसे भी हो आज खाना बना के खाएंगे ही, लास्ट टाइम है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं, चलो जल्दी सब अपना चूल्हा चालू करते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों लास्ट टाइम मैं खाना बना रहा हूँ और क्या हो गया, देखो इधर ही गिर गया था सारा मसाला, गिर गया है, बाकी इतना है। चलो कोई नहीं, ये इधर का जो टांग टूटा हुआ है इसके अंदर नीचे कुछ नहीं लगा था और मैं देखा नहीं, ऐसे ही रख दिया था। देखो इधर सब गिरा हो। तो देखो ये लगा दिया मैं अभी, पहले यहाँ पे एक पत्थर था, अभी भाई हटाए थे वो, अभी भाई ये सब साफ किए थे तो हटाए थे, हमें उधर ध्यान दिया ही नहीं था, ये भी नहीं लगा था। और तो मैं जाते जाते अभी लगा के गया था मैं, और ऐसे ही रख दिया था मैं, और ये जैसे ही रखा पलट गया उधर। चलो कोई नहीं, ये होना लिखा था, फिर भी अपना है मसाला काफ़ी है। और गैस चालू कर दिया मैंने, अब ये रख सकते हैं, अब नहीं गिरेगा। चलो अभी कपड़े धो लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये बैग है, ये बैग में ये फरवा है और ये बेडशीट है और ये जो 4 थर्मस है, ये लेके नहीं जाऊंगा मैं, ये सब मिला के 50 रियाल भी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा।
चलो चल के देखेंगे, बस यही इतना ही सामान बेचना है, बाकी अपना देखो। तीन बैग रेडी है, दो लगेज बैग, एक हैंड बैग, और ये सब बैग चला जाएगा लगेज में ही। और वो वाला बैग मामा को लौटा दूंगा या फिर वो भी लेके चला जाऊंगा, मुश्किल नहीं है। ये जूता पहन के जाना है, इसमें जो नया कपड़ा है वो पहन के जाना है, और इसमें है मैदा और इसमें है सत्तू, ये इससे लिट्टी बनाना है, और ये है खजूर, ये खजूर इसमें पैक करना है किसी में। देखेंगे बर्तन आ जाएगा जो खाना बना रहा हूँ मैं, अगर वो बर्तन आ जाएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर खलास यहीं पे छोड़ दूंगा मैं। हबीब भाई अपना बना बना के खाया करेंगे। अच्छा तो आप लोगों को मालूम ही है, अगर मुझे आना भी है तो यहाँ पे नहीं आना है, इस कफील के पास नहीं आना है। और छोटे छोटे दो पतीले हैं, तो ये बेचने वाला सामान मैं संभाल के रख लिया हूँ, बाकी चलो वो साफ सफाई कर देते हैं। ये देखो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, मोबाइल ही मोबाइल, वह ब्लैकबेरी देखो दिख रहा है, ब्लैकबेरी मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, ये मजे मजे। अब मैं अमीर बन गया, पता नहीं कितने वर्षों से ये ड्रो रखा हुआ है। सब ताला चाबी, आज मैं जब से आया हूँ पहली बार खोल के देख रहा हूँ मैं। ये जो बंदा रहते थे उनका एक कामा वगैरह, मुकरम अनवर सईद, पता नहीं किधर के हैं, पाकिस्तान के हैं कि इंडिया के। मोबाइल ले लो मोबाइल, ब्लैकबेरी ले लो, नोकिया ले लो, नोकिया E66 ले लो, ये सब किसी ज़माने में अमीरों के हाथ में पाया जाता था, गरीबों का सपना रहा करता था कि हम भी लेंगे ब्लैकबेरी, हम भी लेंगे नोकिया। मगर देखो आज वक्त वक्त की बात है, आज क्या हालात हो गया इसका कि कोई कुछ पूछता नहीं है। कल सुबह और इतना खाली हो जाएगा, पूरा एरिया खाली हो जाएगा। तो इसी रूम में सिराज आने वाला है, सिराज की वाइफ इसमें रहेगी, और उनके लिए मैं ये सब साफ सफाई कर रहा हूँ, देखो सिराज के वाइफ के लिए। तो दोस्तों रात के 10:47 हो रहा है, कपड़े मैंने धो लिए पूरे देखो, और इधर चावल भी बना ही लिया हूँ मैं, इधर चावल है और इधर मटन है, मटन गलने ही वाला है। अब चलो पानी डाल देते हैं इसके अंदर, देखो ये अपना मटन रेडी है, अभी पानी डाल के और थोड़ा देर चलाऊंगा मैं, तो पानी डाल देता हूँ। ये मटन मसाला गिर गया था इसीलिए मैं अभी पानी डाल रहा हूँ, नहीं तो सूखा ही खाता। आप लोगों को मालूम है जिस दिन मैं बनाता हूँ उस दिन सूखा खाता हूँ, अगर मसाला गिर गया था पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों रात के 11:30 हो रहा है, अपना खाना बन के रेडी हो गया, ये रहा चावल और ये है प्लेट, इधर है अपना मटन, देखो ये है मसाला, अब इसी को 2-3 दिन खाना है। तो चलो अभी मैं निकालता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये खाना निकाल लिया हूँ मैं, अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करो। तो चलो इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये सामान जब बेचने जाऊँगा मैं चोर बाज़ार में। तो चलो मिलते हैं कल सुबह।